छत्तीसगढ़ के बस्तर का दशहरा सबसे अलग सबसे जुदा। दंतेश्वरी माई की रावण के वध की परंपरा से दूर शक्ति की आराधना का पर्व होता है बस्तर का दशहरा। यहाँ की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के सम्मान में मनाया जाता है बस्तर में दशहरा। 600 सालों से ये क्रम निर्बाध चल रहा है। विश्व में सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला उत्सव होता है बस्तर का दशहरा। हरियाली अमावस्या के दिन जंगल से काटकर लाई गई लकड़ी की पूजा से शुरू हो जाती है ये परंपरा। 75 दिनों तक मनाया जाने वाला बस्तर का दशहरा त्योहार इस प्रसिद्ध और बिरले उत्सव को देखने और उसमें शामिल होने देश प्रदेश से सैलानी भी आने लगे हैं। दशहरे के इन 75 दिनों में बहुत सी रस्मों को शामिल किया गया है, जिनमें से 13 दिन तो माँ दंतेश्वरी सहित देवी देवताओं की पूजा अर्चना में ही व्यतीत होता है। इस महोत्सव में सभी वर्ग, समुदाय, जाति और जनजाति के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस अवसर पर मंदिर में कलश स्थापना को जोगी मिठाई कहा जाता है। हरेली अमावस्या को माझकोट जंगल से लकड़ी मंगाई जाती है, जिसे ठुरलू खोटला कहते हैं। इन लकड़ियों पर पाट यात्रा की रस्म पूरी की जाती है और शुरू हो जाता है बस्तर का दशहरा। इसके बाद बिरिंगपाल गांव के ग्रामीण सीरासार में सरई पेड़ की टहनी को स्थापित कर डेरी गड़ाई रस्म पूरी करते हैं। फिर विशाल 2 मंजिला रथ निर्माण के लिए जंगलों से लकड़ी लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। रथ यात्रा भी शामिल होती है बस्तर के दशहरा में। पारंपरिक औजारों से 10 दिनों में रथ निर्माण की जिम्मेदारी होती है झार उमर गांव और बेड़ा उमर गांव के ग्रामीणों की। रथ निर्माण के बाद पितृमोक्ष अमावस्या के दिन काछन गादी पूजा संपन्न की जाती है। काछन गादी बस्तर के काछन देवी से संबंधित एक रस्म है। इस विधान में मिर्गान जाति की बालिका के ऊपर काछन देवी की सवारी कराई जाती है। इस बालिका रूपी काछन देवी को बेल के कांटों से तैयार झूले में बिठाकर उनसे दशहरा पर्व मनाने की अनुमति मांगी जाती है। अगर वो इनकार कर दे तो कहा जाता है उस साल बस्तर में दशहरा नहीं होगा। बहुत दिलचस्प है बस्तर दशहरा की कहानी। हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, अगले अंक में इस कथा को और आगे बढ़ाएंगे।